हाय दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ सिविल जज का एग्ज़ाम होने वाला है और 30 तारीख जो है 30/12/22 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म जमा करने की यानी फॉर्म भरने की ऑनलाइन। तो जिसने अभी फॉर्म नहीं भरे हैं दोस्त, वो भर दें और पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि मात्र 2 महीने ही आपके पास जो है यहाँ से बचता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 महीने में आपको कितनी तैयारी करनी है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, ताकि आप बहुत ही आसानी से जो है सिलेक्शन पा सकें। तो आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, जो 5 माइनर हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। ये यहाँ पे 3 लिखा है, 23 लिख गया गलती से, ठीक है। 3 लोकल ना है जो वहाँ के आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले तो ये NIA वगैरह रजिस्ट्रेशन एक्ट है आपका, जैसे लिमिटेशन है, ठीक है। इनको ऐसे ऐसे जो हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल 15 हैं तो 7 तो मेजर हैं, ठीक है। 3 वहाँ के लोकल लॉ है, इसमें क्या क्या है, वहाँ का लैंड लॉ है, ठीक है, एकमेंडेशन होगा वहाँ पर, ठीक है, स्थानीय नियंत्रण अधिनियम वहाँ का, और वहाँ का जो है आबकारी अधिनियम भी इसमें शामिल है। ये 3 ये हो गए, 7 ये हो गए, तो 7 3 10, बाकी 5 जो माइनर पहले बचते हैं इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से 5 से 6 दिन में निपटाने का प्रयास करना है। इसके बाद इनको 15 दिन में निपटाने का आपको प्रयास करना है, ठीक है। तो 20 दिन में ऐसे लगभग लगभग आपको ये बढ़िया तरीके से निपटा लेने हैं, ठीक है। इस बार आप मतलब इसको आपने पहले भी छत्तीसगढ़ दिया होगा, लेकिन इस बार ऐसे पढ़ के देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। इनको पहले 5 को निपटाओ, फिर 3 को निपटाओ, फिर इनका इनका रिवीजन करते रहो पर डे इनका हर एक दो दिन में रिवीजन करते रहो, और लास्ट में फिर ये, क्योंकि मेजर तो काफ़ी कुछ हमारे पढ़े होते हैं, CPC और संविधान ही आपको पढ़ना पड़ेगा मुझे लगता है, बाकी तो नहीं पढ़ना पड़ेंगे। TPA कॉन्ट्रैक्ट, IPC, CRPC, एविडेंस, वैसे ही बहुत कुछ आपका पढ़ा हुआ होता है। तो इसके लिए मैं आपसे बोलूँगा कि इस तरीके से आप एक प्लान बना के तैयारी करिए, तो बहुत ही आसानी से आपका जो है एग्ज़ाम निकल जाएगा। और टेस्ट पेपर दोस्तों ज़रूर लगाइएगा, बगैर टेस्ट पेपर के आप परफेक्ट नहीं हो सकते, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकल सकता, क्योंकि 80% जो लॉ के क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। धारा इधर उधर का पनिशमेंट ये सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा 2, 5, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो आप समस्या में दोस्तों पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका नंबर आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।